Hello and welcome back to Unfolding Talents. Today we have with us a very talented and very good looking Siddharth Nigam. Thank you. Welcome to the podcast, Siddharth. Thank you so much. तो सिद्धार्थ एक चीज बताइए कि क्या एक्टिंग सिद्धार्थ निगम के कार्ड्स पर शुरू से था क्योंकि एक 11 साल का 10-11 साल का लड़का प्रयागराज का जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है वो इस इंडस्ट्री में डेब्यू करता है और वो भी यशराज की फिल्म विथ आमिर खान धूम 3 ये कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी एक्टिंग कर भी सकता हूँ बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस और डिसिप्लिन रहता था अपने स्पोर्ट्स को लेकर बिकॉज मैं जिमनास्ट हूँ और मैं तो हॉस्टल में रहता था मम्मी को कॉल आया था उस वक्त ना नोकिया का फोन नहीं था तो लाल और ब्लैक वाला नॉर्मल फोन जिसमें आप सेव नहीं कर सकते कोई नंबर वंबर कुछ भी तो मम्मी को कॉल आया था कि हेलो हम वी आर फ्रॉम शानू मैम का कॉल था आई थिंक कि हम मैं शानू शर्मा यू नो कास्टिंग इन वहाँ से बोल रहे हैं देयर इज अ फिल्म यशराज सर की फिल्म है यशराज प्रोडक्शन की फिल्म है धूम एंड हमें सिद्धार्थ के एक ऑडिशन लेना है Okay. तो क्या आप भेज सकते हैं मतलब मुंबई आ सकते हैं तो 2 मिनट के लिए हमें लगा ये कोई हमें उल्लू बना रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि शानू कौन शानू शर्मा कौन है हमें पता ही नहीं था यशराज कौन है सॉरी एक कट कर रहा हूँ इससे पहले धूम 1 और धूम 2 देखी थी आप मूवीज देखी वही बता धूम देखी हुई थी हमने धूम पता था बट मम्मी को ये नहीं पता था कि किसने बनाई है क्योंकि हम तो मूवी देखने जाते थे कि एक्टर को देखा मूवी देखी वापस आ गए इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पे कास्टिंग होती है यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं एक्टर्स कैसे वर्क करते हैं बजटिंग कुछ भी नहीं पता था तो मम्मी ने नॉर्मली ठीक है ऐसे करके रख दिया और भूल गई फिर मैं एक हफ्ते बाद घर आया मम्मी बोला पता नहीं हम लोग दाल चावल खा रहे थे पता नहीं मुंबई से एक कॉल आया था कि ये फिल्म है यशराज प्रोडक्शन की फिल्म है और शानू करके कोई थी जिसने कॉल किया उनके कोई टीम में से होगा कोई तो मैं अच्छा होगा तो खाना खा रहे हैं मम्मी ने बोला कि कुछ तो धूम धूम बोल रहे थे धूम धूम ऐसे तो हम लोग अभी क्या बोल रहे थे धूम 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 मचा ले धूम की अपना साइकिल में मस्त आप साइकिल चलाते हैं टैन नैन करते हैं धूम मचाले वाली धूम हाँ धूम वाइब लेके घूमते हैं साइकिल चलाते वक्त भी तो मैंने कहा मम्मी तो धूम तो अपना ये इनकी फिल्म है तो बड़ी फिल्म है फिर हमने ना मेरे बड़े भाई उन्होंने सर्च किया कौन है क्या है एंड देन वी गॉट टू नो कि वो डैम ये तो बहुत बड़ी कंपनी है और इन्होंने जितनी भी सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म है इन्होंने दी है एंड शानू मैम इज अ बिग कास्टिंग डायरेक्टर तो मेरे को नहीं ये जेन्युइन लोग हैं एंड वहाँ से ही कॉल आया है मतलब एंड देन मम्मी के पास नंबर सेव नहीं था तो अभी वो नंबर हम दोबारा कॉल बैक भी नहीं कर सकते थे तो हमने बोला अरे यार कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई कोई बात नहीं चलो लेट इट बी अगेन मेरी जिंदगी का अपना वही अपना चला गया मैं हॉस्टल प्रैक्टिस करने लगा एंड देन मैं फिर चंडीगढ़ या नेशनल खेलने वहाँ आई बिकेम अ गोल्ड मेडलिस्ट मैंने फिर 2 गोल्ड एक्सेल जी वापस आया एंड तब फिर से कॉल आया ये था 2010 का एंडिंग समझ रही थी 10 की एंडिंग चल रही थी कितने टाइम बाद वापस कॉल आया 5-6 महीने बाद आया बिकॉज वो कास्टिंग चल रही थी उसमें फिर उन्होंने बोला कि फिर कॉल आया तो आप अगेन वी आर कॉलिंग बिकॉज वी वॉन्ट टू नो कि आप आ सकते हो मुंबई तो हमने वही बोला कि सर मुंबई मुश्किल है हमारे लिए आना बिकॉज हमारा कोई नहीं है वी डोंट हैव एनी बैकअप वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी ऑल्सो कि हम सब चीज़ें बुक करें होटल वहाँ का बुक करें और कोई किसी को हम नहीं जानते तो आप अगर यहाँ से कुछ पॉसिबल है हम ऑडिशन आपको भेज सकते हैं तो आप हमें वो बता दीजिए तो मैंने ठीक है आप एक ऑडिशन भेज दीजिए तो मेरे भाई आए मैं हॉस्टल में था स्कूल से मुझे बुलाए एक मेरा ऑडिशन रिकॉर्ड किया उन्होंने वो ऑडिशन बहुत पुराना ऑडिशन है YouTube पे बहुत पहले डाला था मतलब दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वी मेड आर यूट्यूब चैनल ऑल्सो It is still there on YouTube? Yeah, audition? No, हमने डाला नहीं वो चैनल पे जाकर देखना होगा वो अनलिस्टेड लिंक जो होती है क्योंकि हमें भेजना था दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने वो YouTube पे वो लिंक अपलोड करी उनको भेजी एंड देन विद इन अ वीक दे कॉल्ड अस कि काम करिए आप मुंबई आ जाइए वी वांट टू सी सिद्धार्थ यू नो लाइव हम देखना चाहते हैं फेस टू फेस का ऑडिशन लेना चाहते हैं फेस टू फेस हम आपको बता भी देंगे कि सिद्धार्थ का सिलेक्शन हुआ या नहीं ओके और अब टेंशन मत लो यश राज फिल्म्स इज कॉलिंग यू ऐसे बाहें खोल के आपको यश राज फिल्म्स बुला रहा है सो अब डोंट वरी ठीक है सर एंड देन हम लोग को बुलाया गया हम लोग गए एंड मैं शानू मैम के घर गया वहाँ पे उन्होंने नॉर्मल ऐसे ही मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया कि क्या करते हो आप
कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो? मैंने कहा मैम मैं सारी लैंग्वेज प्रेफर करता हूँ बट अभी के लिए हिंदी। ओके ओके ठीक है, ये ऑडिशन स्क्रिप्ट है, ये आप मुझे परफॉर्म करके बताओगे, ठीक है। ब्रेक का टाइम चल रहा था, 2 बज रहे थे, लंच का टाइम, ऐसे टेबल पे बैठ के ना खाना खा रहे थे हम लोग खाना खा रहे थे और ना सन रेज मेरी आंखों में पड़ती है एंड देन अगेन दैट हेजल ब्राउन आईज शाइन करना शुरू होती है। और मैम ने ऐसे देखा, 1 सेकेंड खाना साइड रखना, कैमरा रोल, एक्शन। मैं ऐसे और फिर मैंने पूरी लाइन वन फ्लो में बोल दिया, अग्निपथ का डायलॉग था वो। अच्छा, तो मैंने वो डायलॉग बोला, ठीक है डन। आपको शाम को हम बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ होगा तो यशराज ऑफिस चलेंगे, नहीं हुआ होगा तो आपकी टिकट तो है ही, आप चले जाइएगा घर। फिर मैं और मम्मी हम लोग अपना रूम में गए, होटल रूम में गए और पूरा एकदम प्रेशर है कि ये क्या हो गया, होगा या नहीं होगा, और ये लोग हमें दोबारा भेजेंगे घर या नहीं भेजेंगे। डर लग रहा था बिकॉज हम लोग को क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया ज्यादा था। सावधान रहे। और तो मम्मी भी डरी हुई थी, तो हम लोग रूम का दरवाजा लॉक करके रखे हुए थे, बैग वैग अच्छे से पैक करके रखे हुए थे, थोड़ा बहुत जो पैसा था कि भाई अगर कहीं खो जाते तो इन पैसों से हम घर वापस चले जाएंगे, तो वैसा वाला फियर चल रहा था। कट टू कॉल आता कि गाड़ी आ गई है, आप सामान पैक कर ली है ना, तो नीचे आ जाइए सामान लेके ही। तो हमें लगा कि अच्छा चलो ठीक है, नहीं हुआ अभी सामान लेके नीचे बुला रहे हैं, मतलब कि नहीं हुआ वो हमें स्टेशन ड्रॉप कर रहे हैं। हम नीचे गए, कट टू गाड़ी चल रही है, हाँ और ना हम लोग, मैं खोया हुआ हूँ मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के, वाह कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये वो, एंड कट टू मेरी नज़र नीचे जाती है, तब तक हम यशराज के ऑफिस में इंटर, यशराज का लोगो, यशराज फिल्म्स का लोगो, इंटर करते हैं, इंटर करते ही ना BMW 7 सीरीज, एक अच्छी खासी बड़ी गाड़ी BMW की थी, 7 सीरीज की थी, उससे निकलते हैं AR रहमान सर। अब मैंने कहा नहीं ये इनको मैंने कहीं देखा है। अचानक से आपको क्लिक नहीं होता है, आपको याद नहीं आता है कि इनको मैंने कहीं देखा है, मम्मी ये बहुत बड़े, कोई बहुत बड़े हैं, हम लोग बहुत सही जगह हैं। अंदर गए तो वहाँ से ऑफिस था, तो फर्स्ट टाइम मैंने कटरीना कैफ ऐसे वॉक करते हुए जा रही, मैंने कहा ये कहाँ आ गया, मैंने कहा कुछ ये कोई अलग दुनिया दिख रही है मुझे, यहाँ पे अलग ही यहाँ पे लोग हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। एंड देन मैं जैसे वॉक कर, धूम की सारी बाइक्स खड़ी हुई थी वहाँ पे, मैंने कहा ओके जगह तो सही, मतलब मजा आएगी। अंदर गए वहाँ पे मैंने डायरेक्टर सर से मिला, ऐसे देखे रेडी हो तुम, यस सर ऑलवेज, ठीक है तो अभी फिर हम काम शुरू करते हैं, वर्कशॉप शुरू करते हैं। तो मुझे सिलेक्शन हो गया मेरा। तो बताओ कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? सिलेक्शन हो गया है अभी, लेकिन हमें 3 महीना चाहिए तुम पे, वी वांट टू डू अ प्रॉपर वर्कशॉप विथ यू, बिकॉज मुझे एक्टिंग पता ही नहीं पता जो निकलता था वो डायलॉग बोलना तो डायलॉग बोल दिया, गुस्से में बोलना है तो गुस्से में बोल दिया, ऐसा वाला। तो मेरी 3 महीने की ना प्रॉपर फिर वर्कशॉप हुई एंड देन देखिए मैंने जैसे कि आज हम कहीं जा रहे थे किसी से मिलवाने, ठीक है मैं छोटा ही था, मुझे ले गए, वो था आमिर सर का घर, आमिर सर के घर में एंटर कर रहा हूँ और ना अब आप हॉस्टल में रहते हो, वहाँ पे अलग चीज़ें चलती रहती हैं कि भाई आमिर खान से मिलना तो बताना, कटरीना कैफ से मिलना तो बताना, ऐसा चल रहा था। अब मेरे विजन में सब कुछ बहुत बड़ा था कि यार आमिर सर के घर आया हूँ मैं, जैसे अंदर एंटर किया सिक्योरिटी खड़ी हुई थी, उनके रूम में गया, मैंने कहा हमें सर घर कैसा होगा चल के आज देखेंगे, और मुझे सीधा उनके लाइब्रेरी एरिया है वहाँ पे, अंदर घुसा तो लाइब्रेरी देख वहाँ पे, एंड देन और मैं ना मस्त घूमने लगा, वाह यार कितना बड़ा रूम है यार, लाइब्रेरी है, वाह, उनके बाथरूम खोल के अंदर चला गया, मैंने कहा इतना बड़ा बाथरूम, शीशे में देखने लगा, पीछे हमें सर ऐसे बैठे हुए थे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मैंने कहा ये कौन बैठा है, मैं भी जाके ऐसे गया और तभी हमें सर ने ऐसे रखा पेपर, मुझे देख रहे हैं 2 मिनट के लिए ना मैं उस थॉट में चला गया कि ये आमिर सर है, क्योंकि मैंने फर्स्ट फिल्म मंगल पांडे उनकी देखी थी, मैं मेरा पूरा वो नहीं कि आप वैसे ही सोच रहे थे, तो आमिर सर सीधा गया उनके पैर छुआ मैं और बैठ गया, हेलो सर मैं सिद्धार्थ हूँ, फिर सब लोग आ गए, अंदर आमिर सर ने बोला एक काम करते हैं अब हम ये सीन रिहर्स करते हैं, साहिर और समर डबल रोल है तुम्हें पता है ना,
मैंने कहा नहीं सर, ये तो अभी आपने मुझे बताया कि डबल रोल है और समर का कैरेक्टर थोड़ा अलग है. अलग है. तो बोले कि पहले मैं परफॉर्म करूँगा फिर तुम परफॉर्म करना. ठीक है. सर ने पहले परफॉर्म किया, बोले अब तुम करो. फिर मैंने परफॉर्म किया. जैसे मैंने परफॉर्म किया सर ऐसे थे, कहाँ से लेके आए इसको? तो जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने बोला कि इसकी किस्मत थी कि इसे धूम थ्री मिल गई, हमारी किस्मत थी कि हमें ये मिल गया. ब्रिलियंट. ऐसे उन्होंने पेपर लिया, कट किया, फेंका. आई वॉन्ट टू डू वट एग्जैक्टली ही इज. नाइस. मुझे जो ये कर रहा है ना बहुत ही अनफिल्टर्ड और बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये करना है, ये हटा दो. वेरी गुड. मैं थैंक यू सर, क्योंकि मैं तो बहुत खुश था ना. आमिर सर आपको कॉम्प्लीमेंट करें, मैंने उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि ही डजंट हैव टू लुक एट मी, आई हैव टू लुक एट हिम परफॉर्म. इट्स अ बिग स्टेटमेंट. वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है. उनका ये जो एक स्टेटमेंट है मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए. एंड देन वहाँ से धूम थ्री की शूट शुरू हुई. दैट्स हाउ आई गॉट द फिल्म. मतलब वो एक डेस्टिनी थी कि हाँ ये धूम थ्री मेरी डेस्टिनी में लिखी हुई थी, तो इसलिए मुझे वो फिल्म मिल गई. तो धूम थ्री के बाद आपकी लाइफ कह सकते हैं कि मतलब? नहीं, धूम थ्री के बाद डेफिनेटली एक दो साल कुछ भी नहीं था. और फिर मैं अपना वही जिमनास्टिक्स. अच्छा. फिर मैं जिमनास्टिक्स में झंडे गाड़ने लगा. जिमनास्टिक्स में आई स्टार्टेड विनिंग गोल्ड मेडल्स एंड देन आई बिकेम टॉप जिमनास्ट इन इंडिया. ऐसे फिर मैं मेडल्स जीतने लगा. तो मेरा मतलब हॉस्टल स्कूलिंग वो सब फिर हॉस्टल वाले देखते थे. तो ये हॉस्टल ज्वाइन करने से पहले ही आप जिमनास्टिक करते थे? हाँ, पहले जिमनास्टिक जैसे वो फिर विद इन 6 मंथ स्टेट लेवल हुआ और मैंने अच्छा परफॉर्म किया. तो जो मेरे कोच थे उन्होंने बोला कि ये लड़का में कुछ है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है. अभी सुबह के 4 बजे प्रैक्टिस होती थी, तो घर से सुबह 4 बजे कौन छोड़ने आएगा? तो मेरे सर बोलते थे कि आप इसको हॉस्टल में डाल दीजिए, यहीं पर ऐसा खाना पीना सब अच्छे से हो जाया करेगा और ये प्रैक्टिस भी अपना टाइम से कर पाएगा, ध्यान इसका यहीं रहेगा. फिर घर पे तो फिर मम्मी अपना काम करती ही रहती थी, तो वो सब था. एक पोस्ट आपने शेयर किया था कुछ साल पहले फादर्स डे पे, जहाँ पे आपने ये मेंशन किया था कि आपके पिताजी जो कि बहुत बचपन में गुजर गए, तो आपको ऐसा लगता था कि यार उन्होंने बहुत जल्दी आपका साथ छोड़ दिया. बट देन यू रियलाइज कि ही हैज़ नेवर लेफ्ट, ही इज़ ऑलवेज बाई योर साइड. लाइफ में कभी ऐसा फील हुआ है कि यार इस मोमेंट पे काश पापा होते? तो हर एक मोमेंट में फील हुआ है, क्योंकि आज जिस मुकाम पे हैं हम लोग, और हर एक मोमेंट में फील हुआ है कि यार मेरे पापा भी होते तो बहुत अच्छा होता, वो भी देख पाते. बट डेफिनेटली ये भी मुझे फील होता है कि वो देख रहे हैं. कुछ मेमोरी है पापा की? ज़्यादा मेमोरी नहीं है, एक दो मेमोरी ही है मेरे पास. मतलब क्योंकि मैं बहुत छोटा भी था, तो नॉर्मली हम लोग तो वही है कि महालट्टो करके एक टॉफी आती थी. महालट्टो पता होगा. तो मुझे महालट्टो बहुत पसंद थी, तो वो मुझे मतलब कैसे भी करके ले जाते थे, महालट्टो खिलाते थे. तो मुझे वो मेमोरी पता है कैसे वो मुझे ऐसे अपने शोल्डर पे बैठा के शॉप वाले के पास जाते थे और बोलते थे इसको महालट्टो खिलाओ. तो मैं महालट्टो खाता था, पापा को हक करता था. तो छोटी छोटी मेमोरीज ही हैं. बट द वर्स्ट, एक वर्स्ट मेमोरी यही है कि जब मुझे पता चला कि मेरे फादर अब नहीं रहे, एंड द पिक्चर आई सॉ, दैट वाज द वर्स्ट मेमोरी कि दैट दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सीइंग माय फादर. एंड वो मैं पिक्चर पे देख रहा था, फोटो पे, फोटो थीम की लास्ट, क्योंकि जो उनके राइट्स हुए तो हम लोग तो इधर थे. तो जब हुए थे तो वही देखा मैंने. एंड मुझे समझ भी नहीं आते मैं रोऊं, मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत छोटा भी था मैं. समझ भी नहीं आता, मेरी मम्मी रो रही हैं, पूरा घर का माहौल एकदम वैसा है, और मम्मी, और पता है कि अब इसके बाद तो सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है गांव में यहाँ तक पल्लू होता है, सब कुछ चीज़ें होती हैं. तो बहुत हार्ड हो गई थी वो सब चीज़ें, तो बहुत मुश्किल हो गया था. बट उसी के बाद से आई थिंक, मुझे लगता है जब पापा हमारे गुजरे उसके बाद से जो पावर जो मेरी मम्मी के अंदर आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी के अंदर ही मेरे पापा भी बसते हैं. इसलिए आज तक उन्होंने कभी कुछ दूसरी शादी वादी कभी नहीं करी, जो फैमिली के लोग बोलते थे. क्योंकि मेरी मम्मी बहुत यंग थी उसमें, बोलते थे कर लो शादी, कर लो ये, कर लो वो, कर लो. मेरी मम्मी ने बोला नहीं, मैं और मेरे बच्चे, अब मैंने अपने जीवन पूरा इनको समर्पण कर दिया है. अब या तो हम यहाँ से निकल के कहीं पहुँच जाएंगे, या तो हम रास्ते में कहीं खा पी के चले जाएंगे. ये मतलब ऐसे ऐसे थॉट्स से हम लोग गुजरे हैं. यहाँ पर मेरी मम्मी ने बोला कि यार बहुत मुश्किल हो रही है, आई थिंक नहीं झेला जा रहा है, लेट्स जस्ट
वो थॉट आ गया था, वो सिचुएशन आ गई थी. बट देन वही है कि मम्मी का जो एक थॉट था, मम्मी का जो एक पावर थी, जो आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं से मेरे जो पापा ऊपर से जो देख रहे थे, जो ब्लेसिंग्स दे रहे थे, जो पावर दे रहे थे, उसकी वजह से हम वो चीज़ ना करके हम आगे की तरफ बढ़ गए. और है बड़ा आई मिस माई फादर अ लॉट. जब कोई आके बोलते हैं ना कि मेरे पापा से मैं डरता हूँ और मेरे पापा आएंगे, तो पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, सबके फादर मदर आते थे, तो ऐसा लगता था. बट देन मेरी मम्मी आती थी, तो मेरी मम्मी ही सब कुछ है, यूनिवर्स है हमारा, फादर मदर दोनों. तो वो हमेशा ना वो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है हमारा, वो मम्मी है, हमेशा वो वैसे ही रही है. और उन्होंने हमें शिक्षा भी फिर वैसे ही दी है, वैसे हमारी उन्होंने परवरिश भी करी है कि ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफें, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हार मत मानो. आज मुश्किल है लेकिन कल बेहतर होगा और कल के बाद सुनहरा होगा. एंड देन अब जाके हमारे पास घर नहीं था, अभी हमने जाके घर गाड़ियाँ जो भी है सब अब हमारे पास है. अब मैं जाके अपनी मम्मी के चेहरे पे वो मुस्कान, वो जो हंसी होती है वो देखता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट. यस, मतलब जेन्युइनली उनके बर्थडे में ना वी ऑलवेज मेक श्योर कि वी गिफ्ट हर समथिंग. मदर्स डे, वुमेन्स डे, बर्थडे, एवरी डे इज फॉर हर. अभी क्या गिफ्ट किया आपने लेटेस्ट? अभी मतलब रिसेंटली ऐसा हुआ था कि हम लोग ना एयरपोर्ट से आ रहे थे, तो मेरी मम्मी ने बोला कि इस बार क्या गिफ्ट दे रहे हो, कि जूते पर्स तो मेरे पास हैं. मतलब अभी मम्मी ऐसे बोली हैं, अभी क्या दे. मैंने कहा मम्मी आप बताइए क्या चाहिए. तो उन्होंने बोला कि तो ना एक पोस्टर लगा हुआ था, रोलेक्स, रोलेक्स दो. ऐसा उन्होंने मस्ती बोल दिया, उनको मेरी मस्ती कर रहे थे. मैंने कहा रोलेक्स तो बहुत महंगी होती है हाँ, और सारा पैसा तो आप ही रखती है, सारा अकाउंट मैनेजमेंट तो आप ही करती है, तो आप हमें पॉकेट मनी देती है, उसमें हम नहीं हो पाए, बिल्कुल नहीं आ सकती. तो तुम अरे मजाक कर रही हो तुम लोग, ऐसे ही मतलब वो मस्ती चल रही थी. बट वो मेरे दिमाग में बैठ गया यार. और ना मैं रोलेक्स पहनूँ या ना पहनूँ, वो हम आगे चल के कमाएंगे और एक या दस रोलेक्स लेंगे. बट जो पहली रोलेक्स थी, मैंने मम्मी को बिना बताए, मम्मी को बिना मतलब पता नहीं चलने दिया कि पैसा कहाँ से आया, क्या हुआ. मैंने मम्मी को पहली रोलेक्स जो थी ना, मम्मी को मैंने गिफ्ट करी. एंड जब मैं रोलेक्स ले रहा था, तो मैं लिया, खरीदा, सब पैक मैकिंग करी, और मैंने ना फेसबुक पे वीडियो भी डाली थी, आई गिफ्टेड माय मॉम रोलेक्स करके. आप उनका रिएक्शन देखिए, वो ना पहले यकीन ही नहीं कर रही थी. एंड देन जब उन्होंने खोला केक के अंदर, तो मैंने रोलेक्स का केक बनवाया था, तो रोलेक्स का प्रॉपर केक, केक के अंदर रोलेक्स की वॉच, वैसे खोलते हुए वो रोना शुरू कर दिया. और जब जब वो जब उनके आंखों में जब जब आंसू आते हैं ना, और जब जब वो रोती हैं, तो वो उस मोमेंट पे तो खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन वो पूरा पीछे से जो कनेक्ट होती है स्टोरी, कि यार पैसे नहीं हुआ करते थे अच्छे कपड़े पहनने के, तो मम्मी ने ना कभी हमें फील ही नहीं होने दिया कि हम गरीब हैं या हमारे पास कपड़े नहीं. अगर हम लोग ठलिया होती है, ठलिया में जो कपड़े मिलते हैं 100-200 के, अगर हमने वो भी पहना हुआ है ना, तो मम्मी बोलते तुमने ये भी पहना है ना, ऐसा पहनो कि अच्छा है. तुमने अगर हमने नॉर्मल बहुत सस्ते कपड़े पहने, तो भी हमारा आता है कि भाई हमने पहने, बस हमने पहने, मतलब अच्छे हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन सी ब्रांड है, कौन सी ब्रांड पहना है, कौन सी ब्रांड नहीं पहना है. तो ब्रांड की वजह से हम ब्रांडेड नहीं है, हम ब्रांड है इसलिए जो भी कपड़ा पहनेंगे वो ब्रांड. क्या एटीट्यूड है? हाँ ये आगे, हाँ मतलब ये भले थोड़ा सा अगर मैं अभी बोलूंगा, अभी लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी वॉचिंग मी, वो एरोगेंटली भी साउंड होता है, नहीं नहीं नहीं, बट ये थॉट्स हैं जो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी बहुत स्ट्रांग बने. कि तभी हम लोग कोई भी चीज़ को देख के जल्दी वैसे नहीं होते कि यार इसने ये पहना है, आज का फैशन ये है, जो वो क्या कर रहा है. वो देखने से क्या होता है ना, कि आप अपने स्टैंडर्ड्स, आप अपने गोल्स भूल जाते हो. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको सही चीज़ें पता होनी चाहिए, हर एक चीज़ की अहमियत पता होनी चाहिए. तो वो हमारी मम्मी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए. टॉमी यदि करू रीस नहीं कुर्ता पजामा जो कुर्ता पजामा की बात है वो किसी और चीज़ की. आपने तीन चार बार मेंशन किया है अपना कि चाइल्डहुड मेमोरीज की बहुत डिफिकल्ट टाइम था. कोई ऐसी मेमोरी याद आती है आपको जो आप अभी भी होल्ड करके रखे हो? आपको पता है कि जब हम लोग मुंबई शिफ्ट हो रहे थे और जब हमें लगा कि ये हमारे जिंदगी का नया चैप्टर है, तो हमारी मम्मी ने यही बोला कि यार हमने जो देखा है, हमने जो सहा है और हमने जो बिताया है,
वो बहुत ही बुरा और बहुत ही हार्ड रहा है। आज भी हम लोग जब बैठते हैं डिस्कस करते हैं रो देते हैं, तीनों रो देते हैं, मैं बड़े मेरे बड़े भाई मम्मी, हम तीनों रो देते हैं। और हमें लगता है कि आज जो है हमारे पास हम बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं आज जो है, क्योंकि आज से पहले जो भी था हमारे पास कुछ था ही नहीं। बहुत तकलीफें थी, स्ट्रगल था, पेन था, मतलब हाँ ये मेला लगते हैं तो मेला में वो नहीं होते जो कपड़े आते हैं, लिटरली हम वो कपड़े पहनते थे, वो जो ठंडी जब ठंडियाँ पड़ती थी तो जैकेट वैकेट चाहिए होती थी पहनने के लिए, या तो फिर हम या ऊन से जो बनाते हैं क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, वो नहीं होता धागे से जो जैकेट सिल्क की जो जैकेट, हाँ स्टिच करके बनाते, या तो वो जैकेट मम्मी खुद से बना देती थी, या तो फिर मेले में ना वो एक शॉप लगती थी जहाँ पर यू नो ब्रांडेड कपड़े होते थे बट लाइक थर्ड फोर्थ यूज्ड कपड़े होते थे, नॉर्थ फेस जैसी ब्रांड, राइट तो वो सब जैकेट वैकेट जिसका यहाँ से शायद ऊन निकला भी रहता था, वो जैकेटें जाके हम लोग खरीद पाते थे, वही खरीदते थे, और या तो ठलिया जो होता है वहाँ से कपड़े लेके खरीदते थे। तो वो सब देख, वो सब मेमोरीज हैं जो दिमाग में फीड हैं, जो लग वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से आज अगर हम अच्छे कपड़े या अच्छी बड़ी गाड़ी या घर में हैं या घूम रहे हैं तो अच्छा लगता है कि यार थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मच, कि वो भी देखा है और ये भी देखा है और आज जो है उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मच, थैंक यू सो मच। बस अब ये अब ऐसा है कि मेहनत करनी है और अपनी जिंदगी को बस बेहतर रखनी है और बेहतर बनानी है, और अपनी मम्मियों को, अपनी मम्मी को वो हर खुशी देनी है जो वो डिजर्व करती हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत दर्द और बहुत पेन सहा है अपनी लाइफ में, और बस यही है मतलब। तो बचपना जो हमारा रहा है, जो चाइल्डहुड रहा है मेरा, बहुत सारी ऐसे ऐसे किस्से हैं, मैंने बताया जिमनास्टिक्स की मेरी एक अलग जर्नी है, एक्टिंग की मेरी एक अलग जर्नी है, फैमिली प्रॉब्लम्स की एक अलग जर्नी है, क्योंकि देखा तो हमने सब कुछ है, विटनेस तो हमने भी किया ही है हर एक चीज़। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी मतलब हमारे ना गाँव में किसी की शादी थी, तो बहुत पुरानी बात है, मम्मी ने बताई थी कि वहाँ पर ना एक ज्वेलरी रखी हुई थी सोने की, शादी थी तो इसलिए आया था। मम्मी चेक कर रही थी बिकॉज मम्मी ब्यूटिशियन थी, उनको ज्वेलरीज ज्वेलरीज बनाने का शौक था ही, तो किसी ने बोल दिया अरे छुओ मत अपने, मतलब कुछ तो अपने हैसियत और औकात के हिसाब से चीज़ें छुओ जो चीज़ तुम पहन सकती हो, ऐसा कुछ तो बोल दिया था मम्मी को। मम्मी को बहुत बात बहुत हिट कर गई थी, मम्मी आके बोली कि मैं नहीं जाती है वहाँ शादी वादी में, उनके ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। हम लोग भी छोटे थे, कोई बात नहीं मम्मी जाने दीजिए, ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया। नाउ कट टू 6-7 ईयर्स बाद, सेम चीज़ थी, अभी लड़का फेमस है सब जानते हैं, तो फोन आया कि अरे आप आ रही है ना बाकी सिद्धार्थ को भी लेके आइएगा, सेम लोग, हाँ क्योंकि फैमिली है ना बहुत दूर के लोग, तो मम्मी तो फिर मम्मी नहीं नहीं सिद्धार्थ बहुत बिजी रहता है सिद्धार्थ नहीं आ पाएगा, और आई वाज शूटिंग दैट टाइम, मैं आती हूँ। तो मैंने कहा मम्मी वहीं जा रही है ना, तो मम्मी बोला हाँ वहीं जा रही हूँ। तो मम्मी ने मतलब ऊपर से नीचे कान से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके पायल से लेके सब सोने का पहना, और मैंने बोला मम्मी आप स्वीट रिवेंज, हाँ स्वीट स्वीट रिवेंज, मम्मी आप किससे जाएंगी, बोले आप इनोवा होगी, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे मम्मी के लिए मर्सिडीज भिजवाई थी, मैंने कहा बीच में मर्सिडीज होनी चाहिए, आगे पीछे स्कॉर्पियो होनी चाहिए, गाँव में स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर का टॉप है, और मर्सिडीज तो फिर लग्जरी, बीच में मर्सिडीज और आगे पीछे स्कॉर्पियो। मम्मी ऐसे गई है गाँव में जहाँ पर मर्सिडीज महंगी मिलती है ना, रेंट पे भी महंगी मिलती है, तो कि वो आएगी गाड़ी वहाँ पे, मुंबई से ना गाड़ी मिल सकती है, तो गाँव में जो गाड़ी मिली मर्सिडीज वो रखाई, मम्मी उसमें गई, शादी अटेंड करी एकदम मस्त सेलिब की तरह, सेलिब्रिटी मॉम गई शादी अटेंड करी, आ गई एंड शी वाज वेरी हैप्पी। बहुत उन्होंने जाके वो नहीं दिखाया कि देखो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ उन्होंने जाके ये दिखाया कि देखो आज आज मैं यहाँ पे हूँ लेकिन फिर भी इज्जत से बात करना चाहिए। वहाँ जाकर उन्होंने ये नहीं बोला कि ये देखो मैं यहाँ कैसे आई हूँ क्या करी, वो सब नहीं, वहाँ गई वहाँ के जो कल्चर हैं वो उन्होंने फॉलो करे, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, भेंट दी, सब दिया एक अच्छे तरीके से। बट जिसको समझना था, जिसने बुरा बोला था, जिसने बुरा किया था, उनको आपको जाके बोलने की जरूरत नहीं होती, वो देख लेते यार इंसान तो अभी भी अच्छा है और वैसे ही है, उनके लिए वही काफी होता है। राइट, वो अपना मस्त सबको सबसे ज्यादा खुशियां बांट के आई हम और वापस आके खुश थी। ऐसा था वो तो देख रहे थे जो देख रहे थे,
देखने वाले देखते रह गए, हम तो आगे निकल गए. तो ये मम्मी तो मजा आती है जब मम्मी प्राउडली बोलती है ना बहुत सारी चीजें, ये है वो है, हमें बड़ा अच्छा लगता है. हम भले नहीं बोल पाते क्योंकि हमें ठीक है जो है अच्छा है, बट मम्मी जब बोलती है तो हमें अच्छा लगता है कि मम्मी आपके अंदर पूरा एटीट्यूड होना चाहिए, पूरा घमंड होना चाहिए. आप करो घमंड, आप करो, आप खुश रहो. आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है. बस क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख रखा है ना, मतलब वो स्ट्रगल और ये फेस सब देख रखा है. आई थिंक हर बात जो आप बोल रहे हो ना, वो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री वुड रिलेट टू इट, बिकॉज मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हैव बीन थ्रू दैट मनी प्रॉब्लम वाला स्ट्रगल एंड हैव सीन दैट फेज. और आई वुड से एवरीवन वुड हैव दैट काइंड ऑफ ड्रीम कि यार हम ये अचीव कर पाए, द थिंग्स दैट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ, एंड यू नो दे आल्सो शो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि यार सी नाउ वी हैव अचीव्ड समथिंग. राइट, डेफिनेटली. और आपने सक्सेसफुल एक्टर्स बड़े एक्टर्स के साथ काम करने की बात की, तो एक नाम इसमें छूट रहा है, सलमान खान. तो उनके साथ किसी का भाई किसी की जान, और इट वॉज नॉट जस्ट अ सलमान खान मूवी, वो उसमें इट वॉज अ मल्टी स्टार मूवी और सब कैरेक्टर्स उतने इक्वली इंपॉर्टेंट थे, इट वॉज अ बिग स्केल फिल्म. उसमें कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट या कुछ बेस्ट जो मोमेंट हो जो आपको अभी भी याद हो? बहुत सारे मोमेंट्स हैं. मैं क्या बताऊँ, मेरी और सलमान सर की जो बॉन्ड है वो आई जस्ट फील लाइक बहुत ही प्योर है. तो मैं अशोका करता था जब अशोका मेरा इतना पॉपुलर था, दैट टाइम बिग बॉस वॉज ऑल्सो देयर. एंड फिर एक दिन ना मैं नॉर्मल बैठा हुआ था एंड आई वॉज वेरी न्यू ऑल्सो, मतलब कि धूम धूम थ्री करी थी, बट यू नो एक स्ट्रगल पीरियड तो चल ही रहा था. तो मैं नॉर्मल ना ऐसे ही मस्त प्लास्टिक की चेयर पे बैठा अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, ना पंखा ना एसी कुछ नहीं लगा हुआ. ऐसे ही नॉर्मल एक स्ट्रगलर की तरह बैठ के अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, डायलॉग्स याद कर रहा था कि अच्छे से परफॉर्म करना है, मेरे दिमाग में वही चलता रहता था. तो अचानक दो बॉडी गार्ड्स और कुछ लोग आते हैं, बोलते सर ये सलमान सर के गेस्ट हैं. अच्छा वाह, सलमान सर के गेस्ट है, तो मुझे लगा यार मुझे भी मिलवा दो, एक फ़ोटो हो जाए उनके साथ भी. तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम आपको मिलवाएंगे, ये सर सर के गेस्ट हैं, कि स्पेशली इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इन्हें अशोका से मिलना है. नहीं नहीं प्लीज़ आई, तुमसे मैं फ़ोटो वोटो खिंचवाई. और उन्होंने आप सर की भी शूट यहीं चलते रहती है, जब भी आपको अगर ऐसा लगे मिलना है तो आप आ जाइएगा. मैंने कहा ठीक है. मैं बहुत के सेट पे हाँ मैं बहुत डरता था कि मतलब ऐसे जाऊंगा कैसे मिलूंगा, वो मुझे जानते नहीं, तो मैं कभी जाता ही नहीं था डर के मारे, अच्छा नहीं लगेगा ऐसा फील करता था मैं. तो मैं ऐसे बैठा चेयर पे, अचानक से मेरे बाल हिलने लगे, हवा आई, एक इधर एसी लग गया, इधर छोटा सा फैन लग गया. मैंने कहा वाह नाम से इतना रुतबा है. फिर बहुत एक महीने दो महीने बाद ना आई थिंक सर की शूट चल रही थी प्रेम बंधन पायो की, वहाँ पे तो मनोज जोशी सर मेरे साथ जिन्होंने चाणक्य प्ले किया अशोका, वो बोले कि बेटा सलमान सर बुला रहे हैं चलो. मैं फर्स्ट टाइम सर से मिला एंड वो जो ऑरा है उनका बहुत अच्छा है, मतलब बहुत स्ट्रांग ऑरा है उनका. वो बोले क्या नाम है उनके साथ, सिद्धार्थ क्या करता है, सब उन्होंने पूछा. मैं बताया कि सर मैं जिमनास्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ. उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम जिमनास्ट ये प्रैक्टिस कहाँ करते हो, तो मैंने उनको बताया कि सर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, इवन यहाँ का जिम भी उतना खास नहीं है. कोई बात नहीं, यू कैन यूज़ माई जिम, यूज़ माई शैले ऑल्सो, जहाँ पे वो रहते थे. डोंट वरी, यू अ गुड पर्सन, यू अ गुड जिमनास्ट, अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो. और खाना वाने का सब सही है. मैंने कहा यस सर, मतलब मम्मी साथ में रहती है तो खाना वही बनाती है, लेकिन ज़्यादा खाया करो, छोटे अभी बॉडी है तो उसको चाहिए होता है ना प्रोटीन चाहिए, अच्छे से खाया करो, तो आ जाया करो यहाँ पे. तो फिर वो एक बॉन्ड बन गई वहाँ पे कि खाना जिम मतलब सब साथ में करने लगे. और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली, मतलब मुझे डांस नहीं आता था, मुझे डांस का डी तक नहीं आता था, मतलब वेरी बैड डांसर. एंड बिग बॉस के प्रमोशन, बिग बॉस में गया था शो का प्रमोट करने के लिए, मैं वहाँ पे डांस करना था, मैं हिल ही नहीं पा रहा था डर, क्योंकि मुझे वो 5, 6, 7 बीट्स कुछ समझ में ही नहीं आते थे. तो उन्होंने बोला कि तू इतना अच्छा एक्टिंग करता है, इतना अच्छा तू जिमनास्टिक्स करता है, डांस क्यों नहीं आता है तुझे? एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, यू शुड नो एवरीथिंग, डांस, एक्टिंग, एनी इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, यू शुड नो एवरीथिंग, कि कल को आपके किरदार के लिए कुछ भी डिमांड हो सकता है.
दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी. मैं जब ये बोल रहा था मैं सोचा ये कैसे हो सकता है, इसको देखा है लिटरली मैं स्टेज पे परफॉर्म करने से पहले वॉमिट करता था, इतना नर्वस रहता था बिकॉज मेरे दिमाग में बीट्स चलती रहती थी कि इस बीट पे ये करना है, इस बीट पे ये करना है. अब जाके मैं लाइव परफॉर्मेंसेस स्टेज परफॉर्मेंसेस दे पाता हूँ बिकॉज वो कॉन्फिडेंस है, वो बॉडी में वो डांस आ गया है. अदरवाइज पहले तो मुझे आता ही नहीं था. एंड देन 6 साल का ना एक बहुत लंबा गैप आया तो मुझे भी ऐसा लगा कि अब तो भूल गए होंगे कब मिला था मैं उनसे, याद भी नहीं होंगे उनको तो अब मैं. एंड देन मैं अपना सॉन्ग प्रमोट करने के लिए बिग बॉस गया था. वल्ला वल्ला मेरा सॉन्ग था, वो मैं प्रमोट करने गया था. और मैं ना वहाँ पे सोचा था कि भी इतना टाइम हो गया है, सलमान सर श्योर वो भूल गए होंगे मुझे. फिर मुझे मेरा अनाउंसमेंट हुआ कि ये गाना प्रमोट करने के लिए यू नो वल्ला वल्ला एक गाना आया है, इसमें सिद्धार्थ निगम एंड जन्नत फीचर की थी, वो आए. हम लोग ऐसे स्टेज पे आए, मैं ऐसे मिला सर से, हाय सर ऐसे मिली, हाय सर. और मैं फिर कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, हाय सर हेलो करके मैं खड़ा हो गया. वैसे देखे अबे तू नेशनल टेलीविजन रिकॉर्डिंग बिग बॉस में शूट चल रहा है तू. मैं अंदर से खुश, मैंने कहा वाओ पहचान लिया इन्होंने फाइनली. एंड आई वाज वेरी हैप्पी, मैंने कहा यार चलो सर ने मुझे पहचान लिया कि तू इतना बड़ा हो गया है, थोड़ा मेरा दाढ़ी वाड़ी आ गई थी उस वक्त, इतना बड़ा हो गया है. एंड देन वो चले गए. अब मैं ना उसमें था, मैंने कहा सर ने पहचान तो लिया, पहचान लिया, अब मैं फोटो भी नहीं खिंचवाया उनके साथ एक भी, कि फोटो खिंचवा के मैं डाल दूँ, कुछ नहीं था. एंड ऑल ऑफ सडन यू नो लाइक विद इन अ मंथ किसी का भाई किसी की जान बन रही थी. मैं क्रिकेट खेल रहा था, मुझे कॉल आता है, उसमें लिखा है सलमान खान भैया. मेरी वॉच थी, मैंने देखा, मैंने ये क्या हो रहा है, मैंने कहा ये क्या है, मैं सपने में तो नहीं हूँ. सलमान सर, मैं भागा वहाँ से क्योंकि वहाँ पे स्पीकर चल रहा था, क्रिकेट ग्राउंड था, मैच चल रहा था कोई, वहाँ से भाग के मैं किसी कोने में गया, मैंने फोन उठाया और ना अंदर से मेरी आत्मा कांप रही थी. मैं बोला हेलो, तो मैं उनको नॉर्मली से भैया ही बोल, हेलो भैया, यूपी से हूँ, हेलो भैया क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा हूँ. क्रिकेट ही खेलेगा, नहीं नहीं भैया मतलब खेल क्रिकेट अभी खेल रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ. हाँ बट अच्छा ठीक है, अपनी मुझे फोटो भेज. मैंने वो अपनी फोटो भेजी, मैं पसीने से लथपथ लाल कुछ सेट नहीं, ऐसे भेज दिया, दाढ़ी मत कटवाना, बाल भी ऐसे रखना, ठीक है ठीक है. फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, फिल्म करेगा भैया, मतलब कैसी बात करें, क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं करूँगा मैं, तो स्टोरी सुन ले देख ले फिर मुझे बता. ही सेड दिस, आई वॉज वेरी हैप्पी, चलो इतना बोल दिया बहुत बड़ी बात है, दैट काइंड ऑफ थिंग कौन करता है. सो दैट इज वाई वो बहुत अच्छे, मतलब अंदर से बहुत अच्छे इंसान है और वो सोचते हैं लोगों के लिए. इट जस्ट दैट कि अच्छे लोगों के साथ वो अच्छे हैं, बुरों के साथ बुरे हैं. मेरी मम्मी जैसे ही है वो, मेरी मम्मी का भी सिंपल है, एक हाथ में वो लेके चलती है कि एक हाथ में अगर डंडा है तो उसके हाथ में फूल है, जो अच्छे से बात करता है उसे फूल, जो गलत तरीके से बात करता है उसके लिए डंडा. सिद्धार्थ एक और इंसान है आपकी लाइफ में, आपकी माँ के अलावा, जिनका आपकी जर्नी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, आपने बहुत ओपनली उनके बारे में बात की है, आपके भाई अभिषेक जी. तो क्या क्या रिएक्शन था जब अभिषेक ने ये डिसीजन लिया कि एक्टिंग में डेब्यू करना है, क्योंकि मैं एक ये भी मतलब मैं कुछ इंटरव्यूज देख रहा था तो ये भी चल रहा था कि यार जब सिद्धार्थ निगम इंडस्ट्री में आए थे ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ राइट, बट जब अभिषेक निगम इंडस्ट्री में आ रहे थे तो इन एडिशन टू हिम प्रूविंग हिमसेल्फ एक और उनके ऊपर प्रेशर था कि हाँ सिद्धार्थ निगम के भाई हैं. तो सिद्धार्थ निगम उस वक्त काफी पॉपुलर हो गए थे. राइट. तो क्या डिस्कशन चला था कि क्या डिसीजन दिया था? जनरली घर में तो ऐसा कुछ हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, कौन बेहतर है कौन अच्छा है कौन बुरा है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते. बल्कि हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट क्रिटिक्स हैं. वो कुछ कहते हैं क्या करके आएंगे क्या करके आएंगे, अच्छा नहीं है, अच्छे से करिए, कैसे खड़े होते हैं, थोड़ा ऐसा खड़े होइए अच्छे से. कोई काम याद है जिसमें आपने आपको क्रिटिसिज्म मिला हो या आपने उनको क्रिटिसाइज किया हो? एक होते हैं, नाम नहीं बता सकते, ऑफ कैमरा बता देंगे, होते हैं ऐसे कुछ काम. बट हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट क्रिटिक्स हैं. मतलब हम लोग अगर कुछ करके आता हूँ, ये देखिए ये किया है मैंने, ये तो ऐसे अच्छा कर सकता था, क्या किया है. हम लोग एक दूसरे के बेस्ट क्रिटिक्स हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ बताते भी हैं, एक दूसरे से कोई ऐसा
कॉम्पिटिशन नहीं है बिकॉज वी आर इन द सेम इंडस्ट्री. हम दोनों एक दूसरे के गाइडेंस हैं, गाइड करते हैं. और मैं कुछ कुछ भी मुझे अचीवमेंट होती है आई थिंक मेरे से ज़्यादा वो खुश होते हैं. एक कॉन्वर्सेशन में और करना चाहता हूँ आपसे. प्लीज़ आप YouTube पे व्लॉग्स भी डालते हो रेगुलरली. जी जी. तो YouTube पे आप मतलब कैसे मेंटेन कैसे कर पा रहे हो, बिकॉज यूट्यूबर बींग अ यूट्यूबर इज अ फुल फ्लेज्ड जॉब ऑल टुगेदर. आप एक्टिंग भी कर रहे हो, आप YouTube भी मैनेज कर रहे हो, कैसे मैनेज करते हो? बहुत मुश्किल है. आप लोग लेजिट अगर आगे क्या मतलब आप डू यू सी योरसेल्फ डूइंग इट आगे भी? आई सी माई सेल्फ डूइंग फिल्म्स एंड प्रोजेक्ट्स, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स. दैट इज व्हाट आई वांट टू डू बिकॉज मैं आया भी वहीं से हूँ. लेकिन फिर होता नहीं कि आप अब जैसे आई रिमेंबर अवनीत के साथ जब मैं अलादीन कर रहा था तो शी वॉज वेरी एक्टिव ऑल्सो दैट टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड शी इज ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस. तो उसके साथ हम लोग बनाने लगे. फिर आपने देखा होगा अलादीन या इसमें बहुत है, तो हम लोग फन के लिए करते थे. और मुझे ऐसा लगता है कि हर फील्ड में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है. मेरा इंस्टाग्राम उसमें भी एक्टिव हूँ, अपने फैन से कनेक्टेड रहता हूँ, रीले बनाता हूँ, फिटनेस वर्कआउट फिटनेस वीडियोज़ बनाता हूँ जिससे कि लोग भी देखते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं उस चीज़ को देख के. फिर आपने बाद में यूट्यूब भी अपना स्टार्ट किया. तो यूट्यूब मैंने आपको बताया था ना कि धूम 3 के टाइम वीडियो अपलोड करनी थी लिंक. तब मैंने यूट्यूब हमने बनाया था, बट उस पे वीडियोस नहीं डालते थे ना, व्लॉग्स नहीं. तो फिर ऐसा था कि चलो अभी फ्री हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो व्लॉगिंग कर लिया. एवरीथिंग जो भी मैं करता हूँ इट्स ओनली बिकॉज ओनली फॉर माई फैंस, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है देखना. एंड जो मेरे सिद्धार्थियंस हैं दे फील वेरी हैप्पी वेन एवर आई अपलोड एनी रील और एनी फोटो और एनी व्लॉग ऑन माई यूट्यूब. उनको अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आपने अपना टाइम दिया. आप आए बहुत ही कैजुअल कन्वर्सेशन, बहुत ही कैंडिड, बहुत ही कैजुअल कन्वर्सेशन, बहुत मजा आया. काफी इमोशनल बातें भी, काफी फन बातें भी हुई. तो मजा आया. मेरे गलती से कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा. हाय एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ निगम एंड डू वॉच डिजिटल कमेंट्री विद रमन एंड नितिन.